आइए हम फेलो ट्रेवल का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। तो कहता है, इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ रहा जब लेखक जो है मच्छर को मारने में असफल रहा, सारी बहुत प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। तो कह रहा है, इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ रहा, ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खेला ओपनली, स्पष्ट रूप से एंड ऑस्टिनेसली, और दिखावे के रूप में वह मेरे साथ खेलता रहा और दिखावे के रूप में खुले तौर पर खेलता रहा, लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक मेटाडोर कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर जब फ्रांस में जो है सांड और आदमी की लड़ाई होती है तो जो सांड से लड़ता है उसे मेटाडोर कहा जाता है, ठीक है। ही लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, वह कुशल मेटाडोर की तरह लड़ रहा था, फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, जैसे कि मेटाडोर जो है इन्फ्यूरेटेड बुल मतलब क्रोधित सांड की क्या करता है, फिनिशिंग करता मतलब फेस करता है, सामना करता है। इट वॉज ऑबियस, ये स्पष्ट था दैट कि ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद का आनंद ले रहा था, अर्थात खुद का मनोरंजन कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, यह सब इसलिए था दैट कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरे रिपोज मतलब आराम को, उसने मेरे आराम को क्या कर दिया, विघ्न डाल दिया, आराम में विघ्न डाल दिया, परेशानी पैदा की। नहीं, यही एक कारण था, वो अपना आनंद लेना चाह रहा था, इसलिए उसने मेरे आराम में क्या कर दिया, विघ्न डाल दिया। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा बहुत खेलना चाहता था, एंड व्हाट स्पोर्ट, और इससे बढ़िया कौन सा खेल होगा, लाइक बींग चेज्ड बाई दिस ह्यूज, कि उसका पीछा किया जाए, चेज मतलब पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, बाय दिस ह्यूज, इस बड़े से लंबरिंग मतलब भारी भरकम विंड मिल मतलब पवन चक्की ऑफ अ क्रिएचर मतलब प्राणी, यानी इससे बढ़िया खेल क्या होगा कि इस बड़े से बड़े से विंड पवन चक्की के समान आदमी से उसका क्या किया जाए, चेज किया जाए, पीछा किया जाए। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम, जो बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड सो हेल्पलेस, बहुत ही असहाय प्रतीत हो रहा था, एंड सो स्टूप्ड, और बहुत ही मूर्ख लग रहा था। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने अपने साथी के आत्मा में जाने का प्रवेश किया, अर्थात उसकी फीलिंग समझने का प्रयास किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह केवल मेरे लिए केवल कीड़ा ही नहीं रहा, ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व जो है क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था, विकसित हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धिमत्ता थी दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ, जो चैलेंज करती थी, चुनौती दे रही थी, द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के अधिकार को, विद मी, मेरे साथ, एन इक्वल टर्म, समान शर्तों पर, अर्थात उसमें इतनी बुद्धिमत्ता थी, वह जो है हमें चुनौती दे रहा था इस डिब्बे में समान अधिकार पाने की, यानी जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार उसका भी है। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवार्ड्स हिम, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया माई हर्ट, अपने दिल को वार्मिंग टूवार्ड्स हिम, उसकी तरफ कुछ प्रेम भावना की, अर्थात मैंने उसकी तरफ उसकी ओर थोड़ा बहुत प्रेम भावना जगी मेरे मन में, अर्थात उसकी तरफ एक मित्रता की भावना जगी, प्रेम की भावना जगी। एंड द सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी फेडिंग, और जो मेरे सुपरियॉरिटी मतलब श्रेष्ठता फेडिंग मतलब मुरझा जाना, ख़त्म हो जाना, और जो मेरे अंदर श्रेष्ठता की भावना थी, फेडिंग क्या हो रही थी, मुरझा रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं एक ऐसे प्राणी से कैसे श्रेष्ठ अनुभव कर सकता हूँ, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतने स्पष्ट रूप से माई मास्टर, मेरा मालिक बन गया, इन द मल्ली कंपटीशन, इसी एक कंपटीशन में, इन विच वी हैड एवर एंगेज, जो हमारे बीच हुई, जो ये सब हमारे बीच कंपटीशन हुआ, उसी एक कंपटीशन में वह मेरा मालिक बन गया, तो मैं उसे अपने से श्रेष्ठ मतलब आप खुद को श्रेष्ठ कैसे समझ सकता था। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, दोबारा उदार क्यों ना बन लिया जाए, मैग्नानिमस मतलब उदार, दयालु, काइंड। व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, दोबारा दयालु क्यों ना बन लिया जाए, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, यानी उदारता और दया वर द नॉबलेस्ट, सबसे आदर्श एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ मैन, एक आदमी के, यानी उदारता और दया एक आदमी के सबसे आदर्श गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के एक्सरसाइज के साथ, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, अब आई वॉज
रेडिकुलस फिगर। इस समय मैं क्या था, एक हंसी का पात्र बन चुका था। रेडिकुलस मतलब हंसी का पात्र, और इस समय मैं एक हंसी का पात्र बन चुका था। आ थिंक फॉर लाफर, मैं हंसने वाली एक चीज़ बन चुका था। एंड डेरिजन, और उपहास करने वाली चढ़ाने वाली चीज़ बन चुका था। बाई बींग मर्सीफुल, दयालु बन करके ही। आई कुड रिजल्ट, मैं तो पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, एक आदमी के नैतिक गौरव को। मैंने दयालु बन करके ही मैं एक आदमी के नैतिक गुणों को, नैतिक गौरव को क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने में जा सकता हूँ बिना सम्मान के साथ। आई विद्रा, मैंने स्थगित कर दिया। द सेंटेंस ऑफ द मृत्युदंड की सजा, मैंने मृत्युदंड की सजा को रोक दिया। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट की ओर जाते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपने पेपर लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं को अब मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, अब मुझे बस यही करना है कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका रिस्पेक्टेबल, ध्यान से फिर से देखें। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब साप्ताहिक पत्रिका। आई हैव बट टू गिव, मुझे बस यही करना है कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को आयुष्मय के प्रहार कर देना है। ऑन बोथ द कवर, दोनों कवरों पर। एंड यू आर अ कॉर्प्स, और तुम क्या बन जाओगे, एक लाश होकर बन जाओगे। नीटली सैंडविच, और तुम्हारा कचूमर बन जाएगा, सैंडविच बन जाओगे, कचूमर निकल जाएगा। बिटवीन एन आर्टिकल, इस आर्टिकल के बीच में। ऑन द पीस ट्रैप्स, एक पीस ट्रैप्स एंड अनदर, और दूसरी आर्टिकल द मोनेस्ट्री ऑफ मिस्टर ह्यू, मतलब उस पेपर पर दो आर्टिकल छपे थे, पीस ट्रैप्स और मोनेस्ट्री ऑफ मिस्टर ह्यू। तो लेखक कह रहा, इन दोनों आर्टिकल के बीच में मैं तुम्हें दबा दूंगा तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा और तुम क्या बन जाओगे, लाश बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं तुम्हें संतुष्ट भी करूंगा। दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, जब ये बड़ा जानवर अर्थात लेखक कहता है आई थिंक किसी चीज़ को, तो उसका मतलब ही मीन्स इट, तो उसका वही मतलब होता है, अर्थात जो वो कहता है वही होता है। मोरीबर, इससे भी बढ़िया। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और मेरे कुछ तनिक भी इच्छा नहीं है टू किल यू, तुम्हें मारने की, और मेरी इच्छा तुम्हें मारने की तनिक भी नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छा जान करके। आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करने लगा हूँ। सेल आई से, मैं क्या कहूँ। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्नेह आ चुका है, स्नेह की भावना आ गई है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ। दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस जो है तुम्हें अपना छोटा भाई कहें। सेंट फ्रांसिस जो है क्रिश्चियन है, जीवों से बहुत प्रेम करते हैं। तो आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ। दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें क्या कहें, छोटा भाई कहें। आई कैन नॉट गो, मैं जा नहीं सकता। सो फार, बहुत ज़्यादा दूर। एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, जितना कि क्रिश्चियन ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता से कर, मतलब मैं ईसाइयों के दानशीलता और सभ्यता से ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, अर्थात क्रिश्चियन जब इस मतलब दयालु हैं तो मुझे भी दयालु बनना ही है। बट आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं पहचान रहा हूँ अ मोर डिस्टेंट रिलेशन, दूर के एक संबंध को, लेकिन मैं जो है एक दूर के संबंध को पहचान रहा हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, यानी भाग्य ने हमें फेलो ट्रेवलर बना दिया है, सहयात्री बना दिया है ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों की जो ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, इज म्यूचुअल, पारस्परिक है, सामान्य है। एंड इट इज़ फाउंडेड, और यह आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, मूल भौतिक तत्वों पर, मौलिक तत्वों पर यह आधारित है। दैट कि वी आर फेलो मर्डर, कि हम सभी मर जाएंगे, हम सभी मरणशील हैं, और इसी पर यह सभी आधारित हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज इन आवर्स,
यानी हमारे मिरकल, मतलब चमत्कार, द मिरकल ऑफ लाइफ इन आवर्स, हमारे जीवन के चमत्कार इस कॉमन क्या हैं, सामान्य हैं, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी क्या हैं, सामान्य यानी जो तुम्हारे जीवन के रहस्य हैं और मिरकल चमत्कार हैं वो भी समान है, और मेरे भी जीवन के क्या हैं, समान हैं, अर्थात तुम्हें भी मरना है और मुझे भी क्या है, मरना है। आई सपोज मेरा मानना है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ भी, मुझे मेरा मानना है कि तुम अपने यात्रा के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानते नहीं हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ दैट कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं ये भी निश्चित नहीं हूँ कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस पर विचार करोगे या करते हो, अ गुड डील अलाइक, तो काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है, जस्ट अप्रिशिएशन, जैसे कि भूत प्रेत आत्माएँ, दैट आर एंड देन आर नॉट, यानी जो कभी थी या जो कभी हैं, या दे आर नॉट, जो कभी नहीं है, जो भूत प्रेत हैं, जो कभी हैं, जो कभी नहीं है, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात्रि से आती हैं, इन टू द लाइटेड कैरियज, इस प्रकाशवान डिब्बे में, ठीक है, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और लैम्प के चारों तरफ थोड़ा देर के लिए फड़फड़ाती हैं, एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और फिर दोबारा रात्रि में चली जाती हैं, परहैप्स शायद, Going on to night, sir, said a voice at the window. खिड़की से एक आवाज़ ने कहा कि going on to night, sir, पूरी रात भर यात्रा करते रहे सर, कुली था। I was a friendly porter. It was a friendly porter. ये जो है एक मित्रवत क्या था, कुली था, giving me a hint, जो मुझे क्या दे रहा था, संकेत दे रहा था, that कि this was my station, यही मेरा स्टेशन था। आई थैंक हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं झपकी ले रहा था, एंड सीजिंग माई हैट, और अपने हैट को सीज करते हुए पकड़ते हुए, एंड स्टिक, और छड़ी को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस गर्मी की ठंडी रातों में चला गया, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद किया, आईसा, मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने फेलो ट्रेवलर को देखा, फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, जो लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। धन्यवाद मित्रों।